साल 2020 में जहां कोविड महामारी ने देश और प्रदेश को पूरी तरीके से प्रभावित किया, तो वहीं इस महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत एक नया रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश में साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक कुल 31.21 करोड़ व्यक्ति दिवस कार्य का सृजन किया गया, जो कि साल 2019 और 20 के आंकड़े के मुकाबले 10.5 करोड़ व्यक्ति दिवस कार्य था, यानी कि लगभग तिगुनों तौर पे उत्तर प्रदेश ने इस योजना के तहत कार्य दिवस सृजित किए। महामारी के दौरान यूपी ने इस योजना के तहत 1.11 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया, लेकिन इस कार्यबल में पुरुषों का वर्चस्व दिखा। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यूपी ने वर्ष 2020-21 में अब तक 31.21 करोड़ व्यक्ति दिवस कार्य सृजित किए हैं, जिनमें महिला व्यक्ति दिवसों का हिस्सा महज 33% है। महिलाओं को मनरेगा के तहत रोजगार देने के लिहाज से यूपी देश के राज्य में सबसे निचले यानी कि 28वें पायदान पर है। यूपी से नीचे जम्मू और कश्मीर तथा लक्षद्वीप ने रैंकिंग में जगह बनाई है। महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने में केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं, जिनमें क्रमशः 91.41% और 87.08% और 84.88% महिला दिवस कार्यों का सृजन किया गया है। महामारी के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार सृजन को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ यूपी ने पिछले वर्ष के मुकाबले दिवस व्यक्ति दिवसों में अभूतपूर्व व्यक्ति दर्ज की है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में महिलाओं की हिस्सेदारी कम रही। इस वर्ष मनरेगा के तहत महिला दिवसों का राष्ट्रीय औसत 52% रहा, लेकिन यूपी में कुल सृजित 31.21 करोड़ व्यक्ति दिवस में 10.15 करोड़ महिला व्यक्ति दिवस का ही सृजन हुआ, जो कि 33% है। इसके साथ ही मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कम होने के पीछे ग्राम विकास विभाग के एक के अनुसार पश्चिमी यूपी के जिलों में ज्यादातर महिलाएं मनरेगा के तहत कार्य करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलती, इसी के कारण इसमें कमी दिखाई दी है। वहीं महिला दिवस के सृजन के मामले में सिद्धार्थनगर और सोनभद्र ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जहां सिद्धार्थनगर और सोनभद्र दोनों जिलों में 48% महिला दिवसों का सृजन हुआ, तो वहीं देखा जाए तो इनमें महिलाओं की संख्या एक बार फिर से कम ही नजर आई है। हालांकि कोरोना की महामारी उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम राज्यों के लिए एक बड़ी कठिन समय था, लेकिन कहीं ना कहीं इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार भी मिला, जिसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश ने जो 31.21 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवस का एक नया रिकॉर्ड बनाया, उसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग कम दिखाई दी। अब सरकार की कोशिश है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में महिलाओं की इस हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस कार्य में जोड़ा जा सके, ताकि जिस तरीके से साल 2020 में उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत एक नया रिकॉर्ड बनाया, वैसा ही कुछ नया रिकॉर्ड महिलाओं की हिस्सेदारी के साथ 2021 के आंकड़ों में भी दिखाई दे। लखनऊ से यूपी तक के लिए अभिषेक मिश्रा।